देश भर में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। खाद्य पदार्थों में बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण मध्यम और निम्न वर्ग की कमर टूट चुकी है। ये हाल जब है तब पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर हैं। हालांकि खाद्य पदार्थों पर केंद्र सरकार ने GST 5% बढ़ाकर लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। इसके बाद भी आज 25 जुलाई को यूपी में सरसों के तेल के भाव महज 157 रुपए हैं, जबकि कुछ महीने पहले सरसों का तेल 210 रुपए तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। वायदा बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि सरसों के तेल में नरमी का दौर कुछ दिन के लिए है। जल्द ही मॉनसून और अन्य कारणों से सरसों के तेल की खपत के साथ ही रेट भी बढ़ेंगे। वही बता दें कि देश भर के तेल तिलहन बाजार में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसी वजह से सरसों का तेल विभिन्न राज्यों में 190 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। हालांकि उत्तर प्रदेश में फिलहाल राहत है। यूपी में इस समय सरसों के तेल के भाव अन्य राज्यों की तुलना में काफी नीचे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सरसों तेल के भाव महज 157 रुपए प्रति लीटर है। बाजार के विशेषज्ञों का दावा है कि मॉनसून आने के बाद भी सरसों के तेल के रेट कम है। आगामी दिनों में रेट बढ़ने तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।